बड़ी खबर आ रही है एलओसी से पाकिस्तान के फाइटर जेट करदू एयरबेस से उड़कर एलओसी की तरफ गए हैं पाकिस्तान के जे एफ सेवनटीन थंडर एफ सिक्स जहाजों का एक पूरा का पूरा बैच गया है एलओसी की तरफ कश्मीर के अंदर पूरी तरह हड़कम मची हुई है भारतीय फौज को अपने जान के लाले पड़ चुके हैं इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी एल के ऊपर मौजूद है तो जिसने भारत की टेंशन बड़ी ज्यादा कर दी है भारतीय फौजी बिल्कुल अलर्ट बैठे हुए है भारत ने अपने फेल भी तैयार किए हैं क्या है मामला क्यों इस तरह की टेंशन एलओसी के ऊपर बनी हुई है सब कुछ आपके सामने शेयर करेंगे आपके सामने हकायक रखेंगे और आपसे छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर ले घंटी के निशान को दबा ले और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक एक डेवलपमेंट एल पर क्या क्या हो रही है आपको मालूम हो सके नाजरीन पहली बात तो ये है की एल के ऊपर पाकिस्तान ने अब जंगी जहाजों का जखीरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है उसकी वजह यह है कि कुछ रोज कबल जो भारत के एन एस ए है यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल उसने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की बात की थी उसके फौरी तौर पर घंटे के अंदर अंदर पिशावर के अंदर एक धमाका होता है और पाकिस्तान के तकरीबन सात से आठ मासूम जाने चली जाती है इसका मतलब तो ये है की भारत पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी कर सका है क्यूँके भारत ने अपने राफेल तैयारे अपने कुछ मिराज तैयारे मिग ट्वेंटी नाइन मिग ट्वेंटी वन जैसे जहाज अपने एल ओ सी के ऊपर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रखे हैं तो इसका मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान की आईएसआई लगातार इस आई को कवर कर रही है एक एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और कोऑर्डिनेशन बनाकर चला रही है कि किस तरह भारत की इंटेंशन है कौन कौन से पाकिस्तान के इलाके भारत की नजर पर है किन को वो टारगेट कर सकता है तो आपको ये बता दें कि भारत कश्मीर में टेररिज्म का इशू बनाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है दूसरे नंबर पर बात यह है कि आर्मी चीफ साहब आज फिर एल के दौरे पर मौजूद है और इस महीने के अंदर उन्होंने पांच मरतबा एल का दौरा किया है तो जाहिर सी बात है की एल पर किसी वजह ऐसी ही आर्मी चीफ जा रहे हैं तो वजह यह है की सिक्योरिटी मामला देख रहे हैं खुद फ्रंट के ऊपर जा रहे हैं ताकि एक एक चीज एक एक भारत को किस तरह रिस्पॉन्स देना है सब कुछ मालूम हो सके अब भारत ये कर रहा है कि पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान भी आराम से नहीं बैठेगा पाकिस्तान ने मुकम्मल तैयारियां की हैं पाकिस्तान पाकिस्तान ने अपने दो तीन किस्म के फाइटर जेट एल के ऊपर भेज दिए जे एफ सेवनटीन थंडर भेज दिए एफ सिक्सटीन भेज दिए है मेराज जहाज पाकिस्तान के उधर मौजूद है तो अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की एडवेंचर करने की कोशिश की तो ये जहाज इंशाला पूरे भारत के लिए काफी है आपको ये भी बता दे की आई एस आई लगातार पाकिस्तान की एक एक जगह को मोनिटर कर रही है की यहाँ से भी भारत थ्रेट कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है और भारत के मामला पूरी तरह ऐसी एयरफोर्स को भी दिए जा रहे हैं नेवी को भी दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी तो इसको इस्तेमाल कर ही रही है तो इसका मतलब ये है की भारत ने एक जवाब बनाया हुआ है की पाकिस्तान आर्मी जहादियों को सपोर्ट करती है ताकि वो भारत के अंदर अटैक करके भारत को डिस्टेबलाइज करे इस तमाम कहानी को जवाब बनाकर भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है बहर हाल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है जिसकी वजह से पूरे कश्मीर के अंदर जितनी भारत की फौज है उसके ऊपर हड़कम मची हुई है भारत की फौज को अपनी जान के लाले पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स ने डाल दी है